हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इज डॉन एजुकेशन आई एम गोइंग टू टीच यू द जू मैनर ऑफ क्वेश्चन आंसर ओके आई होप कि आपने मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वर्ड मीनिंग तो पहला वर्ड मीनिंग है प्राउड ओके तो चलिए देखते हैं प्राउड फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट और प्लीजर इन समथिंग एग्जाम्पल सेंटेंसेस प्राउड मीन्स फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट ओके तो चलिए इसका सेंटेंसेस जानते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा सेंटेंसेस देखेंगे इसका तो माई मदर वॉज प्राउड ऑफ माई रिसेंट रिज़ल्ट मेरी जो मम्मा हैं वो मेरे पे प्राउड किया था उन्होंने जब मेरा रिजल्ट आया था तो आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री मैं अपने देश पे बहुत गर्व करता हूँ ओके okay? तो सेकेंड हम लोगों का है वर्ड मीनिंग क्या नोबल देन चलिए नोबल को देखते हैं नोबल के मतलब के मतलब देखते हैं और इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं ओके सम वेरी गुड करेक्टर एग्जाम्पल सेंटेंसेस ओके तो नोबल मीन्स होता है महान वेरी गुड करैक्टर किसी पर्सन का करेक्टर बहुत अच्छा हो लाइक like, वो ओके okay? तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं मदर ट्रेसा वॉज अ नोबल लेडी जो मदर ट्रेसा थी वो नोबल लेडी थी ओके okay? तो सेकेंड एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स हुर वर्किंग फॉर अ नोबल कॉजेज ओके तो चलिए थर्ड हम लोग का वर्ड मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं वाइज ओके वाइज मीन्स आपको पता है बुद्धिमान तो चलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस, इसके एग्जाम्पल के साथ वाइज सम वन हैज अ गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एग्जाम्पल सेंटेंसेस कोई लोग जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो चलिए देखते हैं अशोक वॉज अ वॉइस किंग जो अशोक था वो बहुत बुद्धिमान राजा था ओके ही टुक अ वाइस डिसीजन इन हीज़ बिजनेस डीलिंग ओके वो बुद्धिमानी से काम लेता है अपने बिजनेस डीलिंग जब करता है तो ओके जब वो अपना बिजनेस डीलिंग करता है तो बुद्धिमानी से काम लेता है ओके तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं पैंगविन पैंगविन ये तो बहुत ईजी है आपने देखा है पैंगविन जरूर मुझे कमेंट करके बताना ओके पैंगविन तो एक जानवर होता है जो कि बड़े बड़े ओशियन में शी में रहते हैं ओके तो पैंगविन तो चलिए देख लेते हैं पेंगुइन अ लार्ज सी बर्ड विद विंग्स फॉर स्विमिंग अंडर वॉटर एग्जाम्पल जो पेंगुइन है वो सी बर्ड है ओके सी बर्ड आप सोचोगे कि जू में सी बर्ड कैसे है जू में तो बस जानवर रहते हैं वहां पे चिड़िया तो ये सी में उनको लाया गया होगा वहां पे पानी भी अवेलेबल किया हो गया किया गया होगा उनके रहने के लिए ओके okay? ये तो सी बर्ड हैं ओके okay? तो वो जुमे कैसे रहेंगे तो उनके लिए वाटर वगैरह वा अवेलेबल करवाया गया होगा ओके okay? तो चलिए देखते हैं अ लार्ज सी बर्ड विद विंग्स फॉर स्विमिंग अंडर वाटर एग्जाम्पल सेंटेंसेस ओके जो वो पेंगुइन है वो सी बर्ड हैं ओके okay? उनके पंख भी होते हैं और वो स्विमिंग भी करते हैं ओके तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका सी वॉज डांसिंग लाइक अ पेंगविन इन रेन जो लड़की थी वो रेन के रेन में जब बारिश हो रही थी तो वो डांस कर रही थी बिल्कुल पैंगविन जैसे ओके पैंगविन फेवरेट फूड इज़ फिश जो पैंगविन के फेवरेट फूड होते हैं वो फिश होते हैं ओके तो हम लोग का नेक्स्ट फिफ्थ है वर्ड मीनिंग स्क्रैटिंग ओके टू वॉक विद अ प्राउड एयर एग्जाम्पल सें कोई भी इंसान जो बहुत प्राउड से वॉक करता हो ओके okay? तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको ही वॉज स्क्रैटिंग आफ्टर ही वन द म्यूजिक कम्पिटिशन ओके वो बहुत शान से चल रहा था जब उसने म्यूजिक कॉम्पिटिशन जीता था तो शी स्क्रैट डाउन दैट वॉक ओके okay, वो जब खैद वो कर रही थी तो बहुत स्क्रेटर्ड मतलब बहुत गर्व से चल रही थी ओके okay? तो नेक्स्ट देखते हैं रिमार्क्स ओके टू से समथिंग एज कॉमेंट एग्जाम्पल सेंटेंसेस हर टीचर्स रिमार्क्स मेड हर फील बैड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है यू शुड गिव रिमार्क्स एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट पेपर ओके आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें ओके okay? तो नेक्स्ट है पेज नंबर सेवेंटी फोर पे ओके okay? तो बच्चों ये मैंने सारा इतना सॉल्यूशन करवा दिया है आप अपनी बुक में फिल कर लेना ओके okay? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डू यू सी एट जू आपने जू में क्या देखा था वी सी एनिमल्स एट द जू ओके हम लोगों ने जानवर ही तो देखा था उसमें जू में ओके okay? तो नेक्स्ट वाला है हम लोग का वट डज दैमल है बैक पे क्या था आपको पता होगा अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो ठीक है अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी ओके तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैमल हैज ऑन इट बैक तो कैमल के बैक पे क्या था कुबड़ ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर सेवेंटी फोर पे ये भी है जू येस आई हैव बीन टू अ जू वैन आई वॉज सिक्स ईयर ओके तो आप जितने साल के होंगे तब गए हो गए तो वहाँ पर आप लिख लेना उतना साल ओके नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू सी द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश ओके तो आप यहाँ पे लिख लेना आई हैव सीन टाइगर जिराफ एलिफेंट एंड मंकी इन द जू वैसे जो आपने देखा होगा जू में वो आप यहाँ पे लिख लेना ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट वाई जो आपको जानवर पसंद है और क्यों पसंद है वो बताइए तो आई लाइक्ड मंकी द मोस्ट बिकॉज इट कैन एक्ट एग्जैक्टली लाइक मी ओके मुझे मंकी पसंद है जो कि बिल्कुल मेरे जैसा करता है एक्ट करता है ओके okay? आपको जो जानवर पसंद होगा वो आप यहाँ पे लिख लेना तो चलिए आगे देखते हैं ही वॉज क्पिंग मी वैन आई वॉज डांसिंग जो मंकी है वो मुझे इसलिए पसंद है जब भी मैं डांस करता हूँ तो वो मेरे जैसा ही एक्ट करता है ओके okay? ही took डांसड इन द सेम वे वो बिल्कुल मेरे जैसा ही डांस करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू शुड वी टीस एनिमल्स तो इसका आंसर है बच्चों येस आई फैड जराफ एट जू तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जो कि है सेवेंटी फाइव पेज नंबर पे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट ही इज सोल एंड सो फैट तो इसका आंसर है बच्चों ही हैज नो फिंगर्स ही हैज समज बट ओ माई गुडनेस वॉट आई बिग नोस ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंस इज यूजिंग दिस एंड दैट हमको सेंटेंस बनाना है दिस और डैट को यूज करके ओके okay? तो चलिए बनाते हैं आप अपनी बुक में अच्छे से फिल कर लेना ओके okay? तो पहला हम लोग बनाते हैं दिस इज दुक दैट यू हैव ब्रीड ओके okay? अब दैट से बनाते हैं दैट इज द गर्ल हु वॉन्ट द फ्राइज और थर्ड है हम लोग का दिस इज द फूड दैट यू हैव टू ईट फिर दैट से बनाते हैं डैट लेडी आस्क मी फॉर मनी और दिस से बनाते हैं फिफ्थ हम लोग का है दिस दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग ओके okay, और सिक्स वाला है दैट दैट बिल्डिंग गॉट कोलैप्स्ड ओके तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग का है अ विजिट टू माई विलेज फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स यहाँ पे हेल्प दे दिया गया है यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए फिलअप फिल करने के लिए ऑप्शन भी दे दिया गया है ताकि आप बहुत अच्छे से फिल कर सको ओके okay? आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस ओके okay? इससे बहुत हेल्प मिलेगा तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं इन जू वी वैन टू विलेज तो यहाँ पे डैश होगा तो यहाँ पे आप विलेज फिल करना ओके okay? तो सेकंड वाले में वेयर आर माई डैश लिव्स शी हैज फार्म तो यहाँ पे होगा ग्रैंड मदर ओके जो रेड कलर से मैंने लिख रखा है उसको आप अपनी बुक में फिल कर लेना ग्रैंड मदर ओके और नेक्स्ट वाले में ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स देर आर टू डैश अ कैट ओके तो यहाँ पे पहले वाले में आएगा हॉर्सेज एंड सेकेंड फिलअप में आएगा कैट ओके नेक्स्ट वाला है विद इट्स डैश थ्री डैश वन डैश एज वेल एज अ डैश तो यहाँ पे पहले में आएगा किठ और दूसरे में आएगा डॉग्स एंड तीसरे में आएगा हैन और चौथे में आएगा कॉक ओके एंड एंड अ डैश तो इसमें आएगा डैश वाले में खाओ ओके एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल विद डैश और डैश है और मिल्क ओके यहाँ पे है और मिल्क फिल कर लेना ओके और नेक्स्ट देखते हैं दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ट ऑन द फॉर्म यहाँ पे जो डैश है वो रेड कलर से नहीं है ब्राउन कलर से ही है आप समझ जाना यहाँ पे पॉन्ट फिल करना है ओके तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है कंपोजिशन कॉर्नर लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो बच्चा लोग यहाँ पे पिक्चर आपकी बुक में दे रखा होगा वैसे मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर लिख दिया है आप इससे समझ जाना ओके लाइक्स फ्लावर्स बर्स्ड टू बी ब्लस्ड ओके तो आप समझने यहाँ पे ब्लस्ड ब्लस दो दो बार है मे बी नहीं हाँ सही ओके ब्लसड ब्लस्ड दो 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 बार ही रहेगा तो इस पैरा में आपको फिल करना है जहां पे डैश डैश दे रखा है ओके दिस इज अ डैश तो यहाँ पे होगा बी इट हैज डैश तो यहाँ पे होगा लाइंस ऑन इट्स विंग्स इट हैज डैश तो यहाँ पे होगा बच्चों टू टेंस इट बजेस राउंड द डैश तो यहाँ पे होगा फ्लावर्स ओके इट डैश तो यहाँ पे होगा बर्स्ट एंड डैश तो यहाँ पे होगा बर्स्ट एंड कम टू जू ओके तो मे भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा ओके okay? अगर कोई भी डाउट है ना बच्चों तो आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछें ओके okay? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प द बी टू रीच इट्स होम वट आर द थिंग्स डैट इट मैट ऑन वे दैट्स राइम्स विद बी ओके तो यहाँ पे आप लोगों को फिल कर लेना है वहाँ पर आपके बुक में डाइग्राम दे रखा होगा वैसे आप उसमें फिल कर लेना है मैंने यहाँ से यहाँ पे लिख दिया है जो कि है पी ट्री की टी ओके okay? तो आप यहाँ पे फिल कर लेना है okay? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ओके तो आपकी बुक में ऐसे डैश करके दे रखा होगा एल डैश डैश एन तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू में लॉयन लिखा है तो आप लॉयन की पूरी स्पेलिंग फिल कर लेना उसमें एल और एन दे रखा है आपको फिल करना है आई और ओ जहाँ डैश डैश दे रखा है वहाँ पे आप फिल कर लेना यहाँ पे है टाइगर टी आई डैश डैश आर तो यहाँ पे होगा टाइगर ई आर होगा ओके यहाँ पे है डब्लू डैश डैश एफ़ तो यहाँ पे ओ और एल होगा ओके उसके इज इक्वल टू में लिखा है आप लिख लेना अपनी बुक में ओके यहाँ पे दे रखा है डियर डी डैश डैश आर तो यहाँ पे डबल ई फिल होगा ओके यहाँ पे है जैकॉल जे डैश सी डैश डैश एल तो यहाँ पे होगा ए के एल ओके जैकॉल यहाँ पे होगा आउल ओ डैश डैश तो यहाँ पे होगा आउल ओके यहाँ पे होगा मंकी नेक्स्ट वाले नेक्स्ट वाला है डियर तो डियर में होगा डी ई -E ए आर तो आप लोग यहाँ पे फिल कर लेना और नेक्स्ट वाला है चिमफैनजी ओके ये सब जो चैप्टर से ही दे रखा है आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा ओके तो यहाँ पे है सी एच डैश डैश तो यहाँ पे होगा आई एम पी ए डैश डैश तो यहाँ पे होगा एंड जेट ओके तो यहाँ पे आप फिल कर लेना यहाँ पे है जिराफ तो जी आई देरख है बाकी डेस्टेशन तो आप यहाँ पे देख कर फिल कर लेना ओके okay? तो नेक्स्ट हम लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का लेट्स मेक द नोइज दैट एनिमल्स मेक जो एनिमल्स नोइस करते हैं उनको यहाँ पे बताना है ओके okay? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर बताया गया है रोड लाइक अ लॉइन जो लॉयन है वो रोर जैसे दहाड़ना तो दहाड़ता है ओके बार्क लाइक अ डॉग जो डॉग है वो भोंकता है बार्क ओके तो हम लोग को आगे बनाना है नेक लाइक अ हॉर्स हॉर्स जो है वो नेक करता है और काउ वो ओके वो नॉट वो मो ओके लाइक मो ओके एंड डग क्या करता है वो क्वैक क्वैक करता है ओके okay? और स्पैरो चार्प, ओके चिप चिप, ओके ऐसे बोलते हैं ना और गोद ब्लेट ओके okay? ऐसे करते हैं और मंकी खैटर जैसे आवाज़ निकालते हैं और पिग ग्रांड ऐसे आवाज़ निकालते हैं ओके okay? आप सबने तो सुना ही होगा ऐसी आवाज़ें और नेक्स्ट है हम लोगों का स्नैक स्नैक तो ऐसे करके बोलते हैं ओके तो आपने डक भी देखा होगा स्पैरो भी गोट भी मंकी पिग स्नैक आपने सब देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा ओके तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ज्वाइन द डॉट्स कंप्लीट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स ये जो डॉट्स दे रखे हैं उनको कंप्लीट करना है जैसे आपने ऊपर यहाँ पे किया था ना बच्चों यहाँ पे आपने फिल किया था ये देखिए चिमपैंच तो यहाँ पे स्पेलिंग फिल करनी थी ना वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है ओके तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है डेंजरस ओके तो यहाँ पे आप फिल कर लेना जो स्पेलिंग मिस है वहाँ पे आप फिल कर लेना ओके तो तो बच्चों यहीं पे होता है इस टॉपिक का द एंड आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ओके okay? अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आप देख लेना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताएं ओके okay? बच्चों इस टॉपिक का होता है यहीं पे द एंड और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग बी कनेक्टेड और देखते रहिए टॉन एजुकेशन